अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज हम फ्रॉक का बहुत ही यूनिक सा डिज़ाइन बनाएंगे। ये बिल्कुल ही डिफरेंट डिज़ाइन है और देखने में भी बहुत आसान लगता है। इसमें हमें नेक में गला बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास ये टू फैब्रिक है, इस तरह के टू कपड़े हैं, टू पीस हैं इस तरह। ये जो मेरा फ्रंट वाला है, ऊपर वाला, आप इसकी लेंथ लेंगे, ये 31 है। हमने इसे लंबाई भी लेना है और जो इसकी विड्थ है वो 11 इंच है। अब हमने इसे इस तरह फोल्ड कर लेना है, इस तरह ये फोर फोल्ड हो जाएगा। इस तरह हमने फोर फोल्ड कर लिया। अब हमने नीचे से कटिंग करनी है शोल्डर की, तो यहाँ से हम इसकी जो लेंथ लेंगे वो लेंगे 8 इंच पे, 8 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से हम इसकी 3 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह। इस तरह हमने इसे मार्क कर लिया। अब इसकी कटिंग करते हैं। इस तरह इसकी कटिंग कर लेनी है। ये इसकी ऊपर वाली साइड है और यहाँ से हम इसको स्टिच करेंगे दोनों साइड से, और ये इसका आर्म होल है, ये ऊपर वाली साइड पे आ जाएगा। इसकी कटिंग अब ऊपर से गले की करेंगे। इसके अंदर हमने इलास्टिक डालना है। ये बहुत ही डिफरेंट सा डिज़ाइन है। इस तरह इसकी कटिंग कर लेनी है। ये नीचे से पेटी बन जाएगी और हम इसके नीचे अलहदा से कपड़ा अटैच करेंगे। यहाँ से हमने इतना इसे फोल्ड करना है इलास्टिक के लिए, इतना हमने इलास्टिक के लिए छोड़ देना है और दोनों साइड से हम इसको स्टिच करेंगे। अब इसके नीचे वाली साइड की कटिंग करते हैं। जो इसका घेर आएगा, इसके घेर की जो हमने लेंथ लेनी है वो लेंगे हम 16 इंच। 16 इंच पे रख के हमने इसे मार्क कर लिया। अब इसकी कटिंग करेंगे। इसे इस तरह बराबर कर लेना है। ये लॉन का फैब्रिक है। इस तरह अब इसकी कटिंग करेंगे। ये इसके नीचे वाली साइड है। इस तरह इसके नीचे वाली साइड आएगी। ये इसका घेर है। इसको हमने पहले ऊपर से इस तरह सिलाई लगा लेनी है और बाद में हमने इसके चूंट डाल लेने हैं। इस तरह रफ स्टिच करके इसके चूंट डाल के इसको इसके ऊपर रख के हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। बस इसकी इतनी सिंपल सी कटिंग है, इसमें और कटिंग नहीं आएगी। इसके बाजू और गले को हमें बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब इसकी कटिंग हो गई है, अब इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी और इस साइड से इसको स्टिच कर लेती हूँ और नीचे से इसको अलहदा अलहदा से इसकी स्टिचिंग करते हैं। इसकी स्टिचिंग हो गई है, ये देखें अंदर वाली साइड पे इस तरह इसको 1 इंच पे इस तरह स्टिच कर लिया है। मैंने ब्रीक इलास्टिक डालना है। इसके ऊपर एक और सिलाई लगाएंगे 1/2 इंच पे, इस तरह सारे एक और सिलाई लगा देंगे और नीचे इलास्टिक आएगा और ऊपर से हम इसी तरह इसको छोड़ देंगे। ये इसके नीचे से स्लीव को इस तरह मैंने स्टिचिंग कर लिया दोनों साइड से इस तरह, और ये इसकी नीचे वाली साइड है। और जब हम इसमें इलास्टिक डाल देंगे तो ये इस तरह की लुक आएगी इसमें इलास्टिक डालने के बाद। अब इसके नीचे
अब जो इसके नीचे वाले हमने ये अटैच करना है, इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। इसको इस तरह फोल्ड कर लेंगे दोनों साइड से, और फिर इसके ऊपर रखते हुए इसको चोट डाल के इसके ऊपर रख के हम इसके ऊपर स्टिचिंग करेंगे। पहले हम सबसे पहले हम इसके ऊपर लास्टिक डालते हैं। इसके ऊपर डबल स्टिच कर लिया है और ऊपर से हमने छोड़ देना इस तरह। जो इसके नीचे वाली हमने स्टिचिंग की है उसके अंदर हम लास्टिक डालेंगे। एटीन इंच मैंने लास्टिक लिया, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये देखें इस तरह ऊपर से कपड़ा हम इस तरह आ रहा है और इसके जो नीचे वाली साइड है उस पर इस तरह चोट आ रही है। इस तरह करते हुए हमने फुल इस तरह लास्टिक डाल लेना है। इसे आप सेट करेंगे और जहाँ से हम इसकी मशीन के नीचे रख के इसकी स्टिचिंग करेंगे और फिर आपको बताती हूँ किस तरह इसकी शेप आएगी। इसका नेक डिज़ाइन देखें रेडी है, इसमें लास्टिक डाल ली है। इस तरह इसकी चुंट आएंगी, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जितना आपको चाहिए। और इसके बाजू भी रेडी हैं और मैंने इसके कपड़े को ऊपर से स्टिच कर लिए फोल्ड करके, इसके ऊपर रफ स्टिच करके इसके चूंट डाले हैं। अब इस चूंट को हम इसके ऊपर इस तरह रखते हुए बैक और फ्रंट पे दोनों पे इस तरह ऊपर से स्टिचिंग करेंगे और इसके ऊपर हम लेस अटैच करेंगे। आइए हम इसकी स्टिचिंग कंप्लीट करते हैं। ये देखिए स्ट्राइप बाय स्ट्राइप आपको मैं बता रही हूँ जिस तरह इसकी स्टिचिंग हो रही है। पहले हमने इसके नेक में इलास्टिक डाला था, फिर इसके बाद उसे स्टिचिंग की थी और बाद में हमने इधर इसको चूंट डाल के नीचे इसके साथ अटैच कर दिया। और मैंने अब इसके साथ नीचे इधर लेस अटैच कर दी इसके बाजू के साथ दोनों साइड पे, और इसकी फ्रंट साइड पे भी लेस अटैच कर दी है। और इसकी स्टिचिंग अब इस तरह हो गई है, इस शेप में आ गई है। ये फ्रॉक इस शेप में है इस तरह। इसमें हमें गला भी इलादा नहीं बनाना पड़ता और बाजू भी इलादा नहीं लगाने पड़ते। इसमें गले और ये बाजू है वो सेम ही स्टिचिंग इसके साथ ही आ जाती है। अब इसकी स्टिचिंग रह गई है इसके साइड से, अब साइड से हम इसकी स्टिचिंग करेंगे और नीचे से भी इसको स्टिच करके इसकी कंप्लीट फिनिशिंग करते हैं। और ये देखें इसका नेक डिज़ाइन कितना यूनिक बना है। अब इसकी स्टिचिंग बाकी की कंप्लीट करते हैं। इसकी फिनिशिंग कम्प्लीट हो गई है, देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। इसके नीचे भी लेस अटैच कर दी है, ये इसकी बैक साइड है और ये इसकी फ्रंट साइड है। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इसका सारा बता दिया। अब फ्रॉक बनाना और बहुत ही आसान लगेगा, इसमें मुश्किल भी नहीं है। इस तरह अगर आप फ्रॉक बनाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा। इसमें शोल्डर भी लहदा से बाजू नहीं लगाने पड़ते और गला भी लहदा से नहीं बनाना पड़ता, ये बहुत ज़्यादा ईजी है। आपको अगर मेरा डिज़ाइन पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।